बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पापड़ी, और उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच माश की दाल और 3 खाने के चम्मच मूंग की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, और ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, और पानी इसका मैंने अलग कर दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक, थोड़ा सा पानी के ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब 2 कप मैदे में डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद, 1/2 टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ खुशक धनिया, और 1/4 टीस्पून अजवाइन, और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक टेस्ट के मुताबिक। अब मैं डाल दूंगी 2 खाने के चम्मच घी, अगर देसी घी है तो वो डाल लें, अगर जो आम डालडा घी है अगर तो वो आप डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब ये दालें और अदरक जो मैंने ब्लेंड किया था वो भी पेस्ट में डाल दूंगी। पहले दालें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, दालों का ये जो पेस्ट मैंने बनाया था, अगर उसके बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं पानी ऐड कर लूँगी। ये पापड़ी जो मैं बना रही हूँ, ये दही भल्लो में, चाट में, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे सादा भी किसी सॉस के साथ खाना चाहें तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो में पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो डो में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाथों को लगा के तो जो डो है वो सेट कर लें। डो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब डो को मैं 20 मिनट का स्टे दूंगी, फिर इसकी जो पापड़ी वो तैयार करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए। डो को कवर करके रखना, ऐसे नहीं रखना। और अब इसके मैं पहले छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। डो के पहले मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और फिर मैं इसको इसकी पूरियाँ बेलूँगी। पेड़े मैंने बना लिए हैं, मैंने हाफ डो इस्तेमाल की है, और हाफ डो जो है मैंने वो समेट दी, वो फिर मैं इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा मैंने ऑयल लगा लिया सरफेस पे। चाहे तो हाथ के साथ भी इसे सेट कर लें, तो चाहे तो बेलने के साथ कर लें। इसी तरह सारी पूड़ी है वो मैं सेट कर लूँगी, हाथ के साथ आराम से ये हो रही हैं। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पापड़ी के लिए पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, और अगर आप चाहें तो एक बड़ी रोटी की तरह बेल के तो किसी कटर के साथ भी आप इनको बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग पेड़े करके इनको बेला है, और अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और पापड़ी को मैं तल लूँगी। अब
पापड़ी फ्राई हो चुकी है और अब इसे मैं निकाल लूंगी और कागज पे निकाल लूंगी और इसी तरह बाकी भी जो है मैं फ्राई कर लूंगी। पापड़ी मैं तैयार कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े की पापड़ी है। आप इसे एज आ पूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जब ठंडी हो जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पापड़ी के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी।